तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दुआ करती हूँ अच्छे हों और मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे इस व्लॉग में। तो मैंने आज बनाई है सेम और आलू की सब्ज़ी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना, कितनी टेस्टी और अच्छी बनने वाली है सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी। जो चपाती पूरी और पराठे से खाने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रही मेरी सेम की फली जो इसमें प्लेट में रखी है, और ये रहे मेरे 7-8 आलू मीडियम साइज के, और ये रहा लहसुन, ये रही 5 मिर्चें और अदरक का एक टुकड़ा, और प्याज एक मीडियम साइज का, प्याज 1 इंच का। तो शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं सेम की फली को अच्छे से काटूंगी छील के। तो देखो इसका ये जो धागा सा लगा हुआ होता है साइडों में, ये चाकू से अच्छे से निकाल के, वैसे मीडियम साइज की होगी, लंबी होगी तो उसको 3 भागों में कट कर लेंगे, छोटी होगी तो 2 भागों में। तो इसे मैं 3 भाग में कट कर ले रही हूँ और इसको अच्छे से साफ़ की, ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो धागा होता है ये बाद में खाने पर गले में लगता है, तो इसे अच्छे से निकाल लेते चाकू की सहायता से। और ऐसे ही मैं सारी फली को कट करेंगी, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये मेरी सारी फली कट के तैयार हो गई है। तो अब मैं आलू कट करूंगी। आलू कट कर लिए हैं अच्छे से, पानी से मैंने फली और आलू को वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने प्याज लहसुन भी इसमें चिल्ली कटर में तैयार कर लिए हैं, तो इसे मैं कट कर दूंगी। और मैं डालूंगी कढ़ाई में तेल, तो सरसों का शुद्ध तेल, ये लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच तेल कढ़ाई में डाल दिया है। और इसे अच्छे से 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम पे मुझे गरम करना है। जब मेरा तेल गरम हो जाए तो थोड़ा गैस को हम लो कर देते हैं मीडियम साइज में, मीडियम फ्लेम में। और मैंने इसमें डाल दिया है जीरा 1/2 चम्मच, और मैं सेम और आलू को इसमें फ्राई करेंगे। तो लगभग 10 मिनट तक हम सेम और आलू को इसमें डाल के करेंगे फ्राई, जब तक मेरी ये सेम और आलू अच्छे से खुशबू ना देने लगे, हमें लगे हाँ ये मेरे सेम और आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो देखो 8-10 मिनट तक ऐसे ही हम इसको चलाते रहेंगे, जब तक कि ये मेरी सेम है बिल्कुल ये ना लगे कि हाँ पकने सी लगी हैं, तब तक चलाते रहेंगे। तो देखो ये अभी तो ऐसे ही हैं, और जब 10 मिनट हो जाएंगे हाई फ्लेम पे इनको हम तैयार करेंगे फ्राई करके। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनने वाली है। मेरे अंदाज़ से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें नए आए हैं तो, और शेयर करें, लाइक करें, और कोई गलती हुई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो ये मेरी सब्ज़ी देखो देखो हो चुकी है फ्राई, कलर ही चेंज हो गया है मेरी सब्ज़ी का। तो ऐसे ही आप लोग भी 10 मिनट तक इसको फ्राई करें, उसके बाद फ्राई करने के बाद इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको नहीं डरेंगे कि इसमें तेल ज़्यादा लगता है, कुछ लोग तेल कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगता है। इतना तेल मैंने डाला है वो सारा लगेगा नहीं, फ्राई होने के बाद तेल इसी से मैं दूसरी सब्ज़ी वो मसाला भी तैयार कर लेंगे, इससे देखो तेल निकलेगा। अभी इसको मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ, फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कितना ऑयल बचता है। तो अभी फ़िलहाल इसको हम प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो ये सब्ज़ी मैं निकाल के कर ली हूँ अलग, और इतना तेल मेरा देखो, मैंने 2 चम्मच डाला था तो 1 चम्मच अभी भी तेल है, 1/2 चम्मच। और इसी में हम पहले जो मसाला मैंने चिल्ली कटर से कट किया था वो भी इसी में डाल दिया है।
ये तेल मेरा बचा हुआ है, लगभग एक चमचा बच गया था तेल, देखो। तो उसी से मैंने मसाला भी तैयार कर लिया है, तेल इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। दो चमचा तेल डालो तो फ्राई होने के बाद एक चमचा बच जाता है। तो सब्ज़ी फ्राई हो चुकी थी, अब इसमें मैं भूंज रही हूँ प्याज और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। ये मेरा कट किया हुआ मसाला है। अच्छे से जब भुन के तैयार हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये हल्का हल्का गुलाबी कलर का हो जाएगा, तब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहना, और हाँ, कहीं भी रुके नहीं, मिस्टेक ना करें, नहीं तो सब्ज़ी इतनी टेस्टी नहीं बनेगी। तो अच्छे से हम इसको चलाएंगे, पूरे मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो चलाते रहेंगे कढ़ाई में। हाँ, लेकिन ये जो हरी सब्जियां हैं, आलू के साथ में मिक्स करके बनाई जाती हैं, लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें आयरन भरपूर होता है, और आयरन की कढ़ाई में जब सब्ज़ी बनती है तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। जैसे दादी माँ और पुराने लोग, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो खाना बहुत पसंद करते हैं, दादी माँ की रसोई जैसा इसमें फ्लेवर आता है। तो देखो लोहे की कढ़ाई में कितना अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखें। तो ये मसाला मेरा भुन चुका है, अब हम इसमें करेंगे एक चम्मच हल्दी ऐड, और एक चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्च, और आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हम पहले ही ऐड कर देंगे, क्योंकि उसमें चरपराहट सी रहती है, तो इसमें चरपराहट ना रहे, अच्छे से हम इसको भून लेंगे तो खुशबू भी आएगी और चरपराहट भी चली जाएगी। तो ये मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये फ्राई किए हुए सेम और आलू। तो प्लेट में थोड़ा बहुत तेल लगा हुआ है, जब हम पानी ऐड करेंगे तो इसमें डाल के ही ये तेल निकाल लेंगे, और वही पानी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो पहले हम इसको कम से कम 4-5 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे कि इसमें मसाला चिपट जाए। अगर इसमें मसाला नहीं चिपटेगा तो ये इतनी अच्छी धुली धुली सी सब्ज़ी लगती है। जब मसाला अच्छे से चिपट जाता है तो हल्का सा पानी डाल के, नमक डाल के बंद कर सकते हैं। हम बिना पानी के भी लो फ्लेम पे चला सकते हैं, सब्ज़ी को बन जाएगी, गल सकती है, लेकिन इसमें नमक अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसलिए थोड़ा पानी मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हम एक चम्मच लगभग नमक ऐड किए दे रही हूँ, लेकिन हाँ, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। एक चम्मच नमक इसमें डाल दिया है मैंने, और जो टीस्पून बोलते हैं तो वही एक चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे आधा गिलास पानी। सब्ज़ी मेरी तैयार हो चुकी है, और आधा गिलास पानी डाल के सब्ज़ी को अच्छे से चला के, और हम इसको ढक देंगे। तो अभी मेरी सब्ज़ी हो चुकी है पकने के लिए तैयार, तो इसे हम कर देंगे लो फ्लेम पे, और इसको अच्छे से चला के इसको हम ढक देंगे। तब तक के लिए, जब तक मेरी सब्ज़ी 10 मिनट तक लो फ्लेम पे चले, तब तक मैंने धनिया काट के तैयार कर लिए थे। तो सब्ज़ी मेरी 10 मिनट में बन चुकी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। तो धनिया ऐड करने के बाद मैं अपनी सब्ज़ी एक कटोरी में निकालेंगे। तो देखो, पराठे, पूड़ी और चपाती के साथ खाने के लिए सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी तैयार है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।